Welcome to Techno History TV. हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो हिस्ट्री टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बड़ी बुरी खबर चाइना से आ रही है। चीन में कोरोना वायरस के बाद लोगों के मन में हंता वायरस का खतरा भी बढ़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हंता वायरस क्या है, हंता वायरस से क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। तो चलिए, इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और जानते हैं कि हंता वायरस क्या है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण सहमी हुई है, तो वहीं चीन में एक नए वायरस के संक्रमण ने वहां के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इसके बारे में परेशान कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह वायरस COVID-19 जितना खतरनाक नहीं है। चीन में कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच इस वायरस के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। इसके कारण चीन में एक इंसान की मौत भी हो चुकी है। हंता वायरस कितना खतरनाक है और उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। कोरोना वायरस के कारण चीन पहले से ही परेशान था, लेकिन चीन के यूनान में हंता वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस चूहों और गिलहरियों के संपर्क में आने से फैलता है। किए गए शोध के अनुसार यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता और ना ही पर्सन टू पर्सन फैलता है, लेकिन अगर कोई पर्सन चूहा या गिलहरी के संपर्क में आता है तो उसे हंता वायरस का संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हंता वायरस के कारण लोगों में हंता वायरस रोग हो जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत भी हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है हंता वायरस के लक्षण। हंता वायरस के लक्षण को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के अनुसार जब कोई इंसान हंता वायरस से संक्रमित होता है, उसे 101 डिग्री के ऊपर बुखार होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहता है और उसे सिरदर्द भी महसूस होता है। फिलहाल वैज्ञानिक इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा यह भी कहा गया है कि लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल चूहा और गिलहरियों के ही संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि हंता वायरस से भारत भी अछूता नहीं रहा है। 2008 और 2016 में दो बार ऐसे मामले सामने आए हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर आप भी अपने आसपास मौजूद चूहों और गिलहरियों से दूरी बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को साफ रखें, आप भी साफ रहें और चूहों और गिलहरियों से दूर रहें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो यह थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।